हे गाइस, लो फिर हम आ गए और एक नया वीडियो लेकर। सो गाइस, यार आज का वीडियो में हम लोग रॉक भाई के बारे में बात करने वाला, ठीक है। क्योंकि आप लोगों को पता है गाइस, किसी का एक सपना होता है, जब वो सपना टूट जाता है ना, मतलब एक इंसान अंदर से टूट जाता है। और गाइस यार इतना ज़्यादा खुशी था कि लद्दाख राइड रॉक का शुरू हो चुका था, है ना। और इतना अच्छा लग रहा था वीडियो देख के, क्योंकि उसका वीडियो जब देखता है ना भाई, अलग से एक एनर्जी आता है अंदर में, अलग से एक मोटिवेशन जागता है कि यस हम लोग भी कर सकता है ना। तो गाइज यार केदारनाथ करने के बाद, जैसे रॉक भाई हमारा रॉक भाई है ना, कांची तीम रैक 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 ढैक 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 इतना बोल बोल के हम लोग इतना हंसा आता है ना। सो केदारनाथ करने के बाद देसी भैया और रॉक भाई पहुंचा दिल्ली, और दिल्ली से देसी भैया आ गया अपना घर, ठीक है। बाइक डिलीवर करने के लिए उनका एक्सपल्स 200 लेने का बात चल रहा था, वो डिलीवर लेने के लिए आ गए, ठीक है। तो गाइज यार तो दिल्ली पे रॉक भाई बहुत दिन बैठा, ठीक है, 3-4 दिन बैठा। तो उसका बाद आरती राय, एक यूट्यूब चैनल है उनका, तो उनसे मिला, उनका दोस्त रॉक का दोस्त से मिला। उसका बाद उनका साथ लद्दाख ट्रिप प्लान किया, ठीक है। तो प्लान करने के बाद वो लोग जा रहा था, इतना मज़ा आ रहा था, मतलब तब ऐसा होता ना कि जो चीज़ के लिए मतलब हम लोग वीडियो देख रहा था, जिस चीज़ को देखने के लिए हम लोग वीडियो देख रहा था, है ना। क्योंकि केदारनाथ करने के बाद लद्दाख का सीरीज जब शुरू हो चुका था, तब हम लोग अंदर में एक क्यूरियोसिटी जाग चुका था कि अब मजा आएगा ब्लॉग देख के। कोई हम लोग जिसको पसंद करता है ना, जब वो लॉन्ग टूर में जाता है, लॉन्ग ट्रिप में जाता है, वो सीरीज देख के अलग सा मजा आता है। तो हमारे को भी क्या फील हुआ था कि अब लद्दाख सीरीज शुरू हो गया, मजा आ जाएगा, मतलब है ना। तो आरती भी वहाँ पे था, रॉक भाई भी था, क्या ही मस्त वो लोग जा रहा था, लेकिन रॉकी बीच में खराब हो जाता है ना। तो गाइज यार इसमें हमको सबसे ज्यादा बुरा क्यों लगा और हम वीडियो क्यों बना रहा बताए। देखो यार रॉक को अभी हर कोई ब्लेम कर रहा है, हर कोई, है ना, हर एक कमेंट में मतलब जो मन में आता है वो लिख के दे देता है। तो गाइज यार ऐसा मत करो यार, क्योंकि रॉक को क्या बोलेगा यार, रॉक इतना डाउन टू द अर्थ है ना, इतना ज़मीन में रह के वो लोगों को सपोर्ट करता ना यार, मतलब वो नेक्स्ट लेवल है यार, वो कोई करता नहीं है, ठीक है। वो हर किसी को समझ पाता है, ठीक है, वो हर किसी को समझ मतलब समझ जाता है, वो बहुत जल्दी लोगों के साथ मिल जाता है। अब आरती का साथ इतना जल्दी मिल गया कि वो लोग लद्दाख ट्रिप प्लान कर लिया है ना, मतलब हर किसी का साथ यार वो बहुत बढ़िया से लोगों को अपना बना लेता है। तो गाइज यार अभी क्या आ रहा है कि बॉबी का साथ वो कंट्रोवर्सी होने के बाद, ठीक है, उसके बाद देसी भैया गया, देसी भैया जब छोड़ गया है तो लोग बोल रहे देसी को तुमने धोखा दिया, ऐसा ऐसा कर दिया। अगर धोखा देना होता तो भैया यार खुद सोचो यार, आप लोग क्या रॉक देसी भैया का 100K के लिए इतना जोड़ लगाता, इतना सपोर्टिव रहता, आप लोग खुद सोचो यार। आप लोग 1% हमको रॉक गलत दिखा दो, कहाँ पे गलत है। क्योंकि देसी भैया को 100K तक पहुँचाने के लिए उसने क्या क्या नहीं किया यार, नेपाल राइड किया, केदारनाथ बुला के इंस्टाग्राम में स्पैम किया, यूट्यूब में बोला कि भैया को जल्दी हम लोग 100K पहुँचाना है, देसी ब्लॉगर डिजर्व करता है सपोर्ट, है ना, लोगों का प्यार डिजर्व करता है। तो गाइस इतना सपोर्ट जब कर सकता है एक बंदा, वो कैसे मतलब बुरा हो सकता है, वो कैसे खराब हो सकता है यार। अब आरती उसका साथ जा रहा है ना, हम तो वीडियो देख के हमको दिल से क्यों अच्छा लग रहा पता है, अभी हमको दिल से बुरा लग रहा था, लेकिन अभी क्यों अच्छा लग रहा है, आरती उसका साथ गया ना, अच्छा हुआ। अगर देसी भैया और रॉक साथ में जाता है ना, तो कब का लद्दाख चला जाता, और अगर लद्दाख ट्रिप में जाके अगर बाइक खराब होता ना, तो भाई इंसान पूरी मतलब पूरा तरीका से टूट जाता रॉक भाई। क्योंकि लद्दाख में, लद्दाख पहुंचने का बाद वो बाइक खराब हो जाने का बाद, वहाँ बनाने का सर्विस नहीं है, उसको लेके आना बहुत मतलब झंझट हो जाता, और ट्रिप का मतलब सत्यानाश हो जाता, ट्रिप का मतलब कोई फ़ायदा नहीं होता ट्रिप जाने का, ठीक है, आधा अधूरा ट्रिप रह जाना था। लेकिन आरती का साथ जाने के बाद पहला दिन ही बाइक खराब हो गया, मतलब जो भी होता है भाई अच्छा के लिए होता है। क्योंकि यार देखो, हम रॉक भाई को एक ही चीज़ बोलना चाहता है कि देखो यार, दिन है तो रात भी है, रात है तो दिन भी है। आज ज़िंदगी में बुरा दिन चल रहा है, लाइक ज़िंदगी में अंधेरा चल रहा है ना, तो कल उजाला आने वाला है। तो ये जो ट्रिप था ना लद्दाख, जो ट्रिप तुम कर रहा था है ना रॉक भाई, है ना, क्या है ना कि भगवान पहले संकेत दे दिया कि मत जाओ भाई, नहीं होगा। तो हमको तो यही चीज़ का अच्छा लग रहा है कि अगर देसी भैया का साथ जाता तो ट्रिप आधा अधूरा हो जाता, ट्रिप सक्सेसफुल नहीं रहता। तो आरती को ले जाने के बाद क्या हुआ कि पहला दिन ही बाइक खराब हो गया, तो यह अच्छा हुआ कि वो लोग का बाइक लद्दाख जाके खराब नहीं हुआ। अगर लद्दाख जाके खराब होता ना, तो बहुत ज़्यादा मतलब झंझट हो जाता। तो भैया कोई बात नहीं है ना, कि अब बाइक बन जाएगा तो फिर लद्दाख राइड करेगा, वो लद्दाख राइड सक्सेसफुल रहेगा। क्योंकि रॉक भाई ने बोल चुका है, अब हम घर जा रहा है, घर जाने के बाद जब भाई हमें रोकी, जब पूरा तरीके से ठीक हो जाएगा, फिर से हम लोग लद्दाख राइड करेगा। तो गाइज यार
हम लोग को दिल से सल्यूट करना रॉक भाई को, दिल से प्यार करना, क्योंकि रॉक भाई का जैसा डाउन टू द अर्थ यूट्यूबर मिलना मुश्किल हो जाता है यार, मिलना मुश्किल हो जाता है। तो गाइस यार इतना बोलना चाहता है, कोई हेट मत फैलाओ, है ना, क्योंकि एक इंसान जब टूट जाता है ना उसको मोटिवेट करना पड़ता है, ना कि उसको कमेंट में जाके ऐसा वैसा वैसा वैसा, है ना गाइस। यार यूट्यूबर का लाइफ में क्या होता है ना कि कंटेंट के लिए हम लोग बहुत कुछ करना पड़ता है, कंटेंट के लिए आप लोग को हंसाने के लिए, आप लोग को खुश करने के लिए हम लोग दिन रात मेहनत करता है। तो यार समझो यार, रॉक भाई को समझना जरूरी है, क्योंकि अभी जो सिचुएशन है ना, अभी उसको मोटिवेशन का जरूरत है, उसको प्यार का जरूरत है, एक साहस का जरूरत है। तो प्लीज़ आप लोग हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहता है, जितना सकता है आप लोग सपोर्ट कीजिए रॉक भाई को, क्योंकि गाइस हाम्रो नेपालीमा रॉक भाइले होइन आज यति गर्दै छन्, यति अगाडि बढिसकेका छन्। त हामी गोर्खाले, हामी जति पनि नेपाली दाजुभाइ छौँ, और जितना सारा रॉकका चाहनेवाला रॉक लामा फ्यामिली है, प्लिज़ हर कोही सपोर्ट कीजिए उनको, सबैले सपोर्ट गर्नुपर्छ रॉक भाइलाई, होइन। उसलाई देखेर हामी इन्सपायर भएर आज युट्युब गर्दैछौँ, उसलाई देखेर हामी इन्सपायर भएर युट्युबमा अहिले अगाडि बढ्न चाहँदैछौँ, होइन। तो गाइस हर जोडके बोल रहे, हर कोही रॉकको सपोर्ट कीजिए, कोही हेड कमेन्ट मत कीजिएगा, ठीक है, टिट्यू। और गाइस यार लास्टमा एक चिज बोल्न चाहता है कि केबी भाई भी बहुत जल्दी सिक्किम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, जयगांव बहुत जगह जाने वाला है, तो आप लोग सपोर्ट देना गाइस, आप लोग प्यार देना। ये जो ट्रिप हम सोच रहा है, ये ट्रिप में आप लोग का प्यार और सपोर्ट का बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होगा। बहुत दिन बाद है ना, हम भी सोच रहा है कि थोड़ा अलग जगह जाके, थोड़ा दूर दूर जाके एक अच्छा सा कॉन्टेंट आप लोग के लिए ला के देगा। लाइक सिक्किम में हम लोग पब्लिक डांस वीडियो बनाएगा, आपका कालिम्पोंग में बनाएगा, दार्जिलिंग में बनाएगा, सिलीगुड़ी हांगकांग मार्केट में बनाएगा, और यहाँ पे जयगांव, मतलब जहाँ जहाँ सकता है, गुवाहाटी जहाँ जा सकता है वहाँ पे हम लोग पब्लिक डांस वीडियो बनाएगा, और ब्लॉग भी आप लोग के लिए ढेर सारा लेके आएगा जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। तो गाइस यार केबी भाई को भी सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि ये जो ट्रिप है ना, ये ट्रिप में आप लोग का सपोर्ट का बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, हमको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत आपका प्यार का है। तो गाइस यार प्यार दिखाना टिटू करके, है ना। सो गाइस यार एडिटिंग चल रहा है, कल जो मैंने पब्लिक डांस वीडियो बनाया था भाई, क्या होता है ना कि पब्लिक डांस वीडियो एडिट करने के लिए बहुत ज़्यादा समय लगता है, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से करना पड़ता है ना, तो आज नहीं कल आएगा, ठीक है, कल पब्लिक डांस वीडियो आएगा, तो आप लोग वेट कीजिएगा, बहुत ही खतरनाक मोटी ढांसू बन चुका है। तो गाइस हर कोई सपोर्ट कीजिएगा, प्यार दीजिएगा, क्योंकि कल का जो वीडियो है पब्लिक डांस वीडियो, वो भी बहुत ही ज़्यादा क्रेजी सीन होने वाला है। और गाइस सिक्किम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, मतलब ये सब ट्रिप भी बहुत ही अमेजिंग होने वाला है। तो गाइस यार आप लोग वीडियो का, आप लोग मेरे साथ बने रहो, ठीक है, मजा आ जाएगा टिट्यू करके। सो गाइस आज का वीडियो में इतना एंड करना चाहता है, कल मिलते हैं अपन वीडियो में टिट्यू।